दूसरों की दुनिया को जहन्नम बनाकर सजदों में जन्नत ढूंढना छोड़ दो। जब इंसान को अपने अंदर झांकना आ जाए तो वो दूसरों के एहसासात को समझने के काबिल हो जाता है। माफी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते रहते हैं। खुदा की मोहब्बत के अलावा दुनिया की हर मोहब्बत दुख देती है। सिर्फ खुदा ही है जिससे जितना झुककर मोहब्बत मांगी जाए उतनी ही बुलंदी नसीब होती है। दुनिया में हजारों रिश्ते बनाओ लेकिन एक रिश्ता ऐसा बनाओ कि जब हजारों आपके खिलाफ हो तो वो एक आपके साथ हो। याद रखें, मायूस नहीं होना चाहिए क्योंकि जिंदगी कहीं से भी शुरू हो सकती है। खुदा देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है। रब के बंदों को माफ कर दिया करो, बंदों का रब आपको माफ कर देगा। जुमला बहुत खूबसूरत है, चाहे तो याद कर लें चाहे तो लिख लें। इतना मत बोलो कि लोग खामोश होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर खामोश हो जाओ कि लोग कुछ और सुनने का इंतजार करें। जिंदगी में सादगी अपनाओ, जितनी सादा तुम्हारी जिंदगी होगी उतनी परेशानियां कम होंगी। सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब कोई खुद गलत होकर भी हमें गलत साबित करने की कोशिश करता है। ने मुझे एक चीज सिखा दी, अपने आप में खुश रहना सीखो और कभी किसी से कोई उम्मीद ना रखना सीखो। तुम बगैर वजह के खुशी महसूस करो तो तुम यकीन कर लो कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए दुआ कर। ताला किसी बंदे से दोस्ती करना चाहता है तो उसकी जुबान पर अपना जिक्र और दिल पर अपनी फिक्र के दरवाजे खोल देता। उस दिन तुम्हारी सब परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन तुम्हें यकीन हो जाएगा कि हर काम अल्लाह की मर्जी से होता है। जब अल्लाह ने आपकी जिंदगी को अच्छा मोड़ देना होता है तो बुरे और मतलबी लोगों की हकीकत आपको दिखाता। किसी ने क्या खूब कहा है, किसी को जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है, ये तो वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका आता है। किसी ने क्या खूब कहा है, किसी को जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है, ये तो वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका आता है।